पापा चिल्लाओ नहीं अब। हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, क्योंकि गुड इवनिंग है भाई तो गुड इवनिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग लेट क्लास कर रहे हैं, वी आर टेकिंग क्लास टुडे एंड आज बहुत दिन बाद मैं आ रही हूँ यूट्यूब पे, सो आई विल जस्ट स्टार्ट माय क्लास इन अ मिनट, जस्ट वेट फॉर टू और थ्री स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। आशीष वेलकम टू द क्लास, ओके एंड वी स्टार्ट विद द क्लास देन। क्लास हमारी आज की जो होगी विल बी रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन टू स्टडी, ठीक है, बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में। सो वी विल स्टार्ट विद द क्लास, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग बात करेंगे अन अकेडमी के बारे में, ठीक है। अन अकेडमी के बारे में क्या जानते हैं हम, अन अकेडमी इज़ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज़ रनिंग राइट नाउ। उसके अलावा बात करेंगे मेरे बारे में क्या बात करेंगे, दैट वॉट आई हैव स्टडीड, आई हैव डन माई जर्नलिज्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, आई हैव कम्प्लीटेड माई बी एड एन एंड टी टी सेम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अदर देन दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन एट सेकेंडरी लेवल एंड एट कम्पिटिटिव लेवल बोथ। सो दिस वॉज अबाउट मी, वील जम्प टू नो वॉट इज अन अकेडमी नाउ। जो प्लेटफॉर्म आपको स्टडीज दे रहा है ऑनलाइन फ्री एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड टू नो अबाउट दैट प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट अन अकेडमी एंड हाउ अन अकेडमी वर्क्स, ठीक। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये मुझे बहुत बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं। तो अब बात करते हैं UPPSC और UPSSC की। अब UPSSC की बात करेंगे, UPPSC की बात करेंगे तो आई एम द वन हूँ, I must join as a journalist aware sir. आशीष कहाँ पे journalist join करूँ मैं, because on academy पे तो कोई journalism का profile नहीं है इनके पास, so if I am teaching on an academy then I can't go for journalism, but thank you for the, I will take it as a compliment I think. चलो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, हाउ विल यू रजिस्टर योर सेल्फ एंड गेटिंग इट क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर सब्सक्रिप्शन, सो डोंट कंफ्यूज अमंग टू। रजिस्ट्रेशन में आपको कोई पैसा नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर एंड योर मेल आईडी यू हैव टू गिव एंड यू विल बी रजिस्टर्ड ऑन अन अकेडमी, ठीक। अन अकेडमी से पहले बात करते हैं यूट्यूब की, तो मैं आप लोगों से बहुत बिग एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ यहाँ पे, जो आपको एज अ लर्नर एज अ स्टूडेंट यू हैव टू फॉलो एंड दैट विल बी जस्ट फॉलो माई चैनल। पहली बात तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है एंड जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। दे आर मैनी न्यूज चैनल्स फॉर यू मैम फॉर विच यू डिजर्व ओके, बट आशीष थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, बट प्रॉब्लम इज दैट आई जस्ट हैव डन माई जर्नलिज्म, दैट वॉज बैचलर्स आई हैव डन, आई हैवन कम्प्लीटेड माई मास्टर्स, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म सेक्टर ऑल्सो, बट दैट इज नॉट रिलेटेड विद द स्टडीज, सो हम उसका कुछ कर नहीं सकते अभी। एंड ऑल्सो दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग, क्वाइट गुड एक्सपीरियंस, यू कैन से अराउंड 4 years ऑफ एक्सपीरियंस आई एम हैविंग इन टीचिंग। सो आई लव टू टीच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई लव टू कम्युनिकेट, that will be my second plus point, so I will consider as a compliment from your side, but let's talk about an academy right now. Kamal welcome to the class, hello, hi, and registration ke bare mein baat kar rahi thi, to aapko sirf kuch nahi karna, you just have to go on Google Play Store, simple as that, you have to type an academy learning app and usko install karne ke baad jo process of normal app download karne ke baad register karne ke liye karte hain, same process will be there, right?
अब बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन पार्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हेन यू अंडरस्टैंड सब्सक्रिप्शन ओनली देन यू कैन गो फॉर योर सब्सक्रिप्शन पार्ट. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी बिकॉज मैं एवरी सेशन आई टेक दिस पार्ट जहां पे मैं ये बताती हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है सब्सक्रिप्शन को. फॉर यूपीपीएससी एंड यूपीएसएससी की मैं इंग्लिश लेती हूँ, टू बी क्लियर दैट आई टेक इंग्लिश फॉर यूपीपीएससी एंड यूपीएसएससी सब्सक्रिप्शन. में आप क्या करेंगे, प्लान्स को चूज करना है. जैसे कि यहाँ मेंशन हो रखा है प्लान्स कौन कौन से हैं. वन मंथ का प्लान इज फॉर 1,400 रुपीज, दैट्स इट. एंड योर थ्री मंथ्स का प्लान, वेन यू आर गेटिंग 17% ऑफ, यू विल बी गेटिंग प्लान फॉर थ्री मंथ्स दैट विल बी कॉस्टिंग यू 3,500. I want you and I request you all to please keep sharing the session and like the session. Please, ये एक काम जरूर कर देना because it is a quite good motivator for a educator on the end, जहाँ पे आप उसको support करते हो educator को. ठीक है, तो please share करते रहो and like करते रहो, और subscribe करोगे तो obviously you will get all the details about the classes. ठीक, कमिंग बैक टू अर सब्सक्रिप्शन पार्ट, तो मैं सबको सजेस्ट क्या करती हूँ, आई सजेस्ट पीपल टू गो फॉर 12 मंथ्स. वाई, दैट हैज अ बिग रीजन अराउंड इट. फर्स्ट वन इज दैट इट इज सेविंग योर मनी. एज यू कैन सी इन 6 मंथ्स यू आर गेटिंग 5,600 रुपीज. 5,600 का आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इन 7,000. सो यू कैन जज बाय द डिफरेंस. यहाँ पे 12 महीना आपको मिल रहा है 7,000 में और यहाँ पे यू आर गेटिंग 5,600. सो यू हैव अ क्वाइट गुड गैप अमंग टू. अब बात करते हैं, भाई आप इतना समझा रही हैं तो यहाँ आप कहाँ आ रही हैं. ठीक, आपके मन में यही होगा, एवरी लर्नर मस्ट बी थिंकिंग कि भाई इतना समझा क्यों रही हैं, इनका क्या इसमें है. मेरा इसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हेल्पिंग यू टू गेट अ करेक्ट सब्सक्रिप्शन फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि 12 महीने से नीचे आप प्रिपेयर नहीं करोगे. कोई भी अगर सीरियस कैंडिडेट है, ही और शी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 6 to 12 मंथ्स. ठीक, टू गिव 8 to 12 मंथ्स इज वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर स्टडिंग सीरियसली, राइट. So when you are studying, then you must be needing 12-month subscription. Going for 12 months is okay when you are having 7,000 fees. अब उस पे मेरा रूल ये है कि अगर आप ये कोड जो दिया हुआ है, that is KT10, if you are going for this code, you are getting 10% instant off. मतलब जैसे होता है ना, तुरंत डिस्काउंट मिल जाना, उस तरीके का डिस्काउंट है. जैसे ही आपने ये कोड अप्लाई किया, यू गेटिंग इंस्टेंट ऑफ ऑन योर फी स्ट्रक्चर, दैट मेक्स योर 7,000 टू टर्न इनटू 6,300 ओनली. सो माय पॉइंट इज, डोंट वेस्ट योर मनी एंड गेट योर सेल्फ अ बेस्ट प्लान इन अ सूटेबल मैनर. ठीक, उसको करने के बाद आपको क्या करना, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट इज प्रोसीड टू पे. अब लोग पूछते हैं भाई कि मैम आपको फॉलो कहाँ करना है. बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, जहाँ अभी आप मेरे को देख पा रहे हैं. वे यू कैन सी मी राइट नाउ, यू कैन फॉलो देयर, यू कैन हैव ऑल द डिटेल्स और पास्ट प्लेलिस्ट मेरी पूरी वहाँ पे पड़ेगी, मिलेगी आपको. डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, नीचे जो एक एरो बना होता है उसको ओपन करके व्हेन यू विल स्क्रॉल यू विल गेट दीज लिंक्स, जिसमें पहले लिंक में आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. यू कैन गो देयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. उसके अलावा सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी का कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट. इस सब्सक्रिप्शन को करने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में मिलेगा क्या, पेमेंट मोड्स क्लियर हो जाएंगे कि किस किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं एंड ऑल द स्टफ यू आर गेटिंग इन योर डिस्काउंट पोर्शन एंड इन योर प्लान. ठीक, उसके अलावा आप मेरे को कहाँ फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. ठीक, दोनों जगह फॉलो कर सकते हो. अन अकेडमी पे मेरे नाम से मुझे ढूंढ पाओगे, यू कैन ईजिली फाइंड मी ऑन अन अकेडमी बाय माई नेम. उसके अलावा आप मुझे अन अकेडमी टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो बाय यूजर नेम. ये यूजर नेम डालोगे एंड यू विल जस्ट फाइंड मी, माई पिक्चर विल बी देयर एंड यू विल रिकोगनाइज मी. ये लेकिन करेक्ट आपको यूजर नेम डालना है, दैट इज @unacademy केश की तिवारी, एंड तिवारी इज हैविंग ई नॉट आई, तिवारी 27. ठीक, आज का टॉपिक है हमारा प्रोवर्ब. Now this is very interesting and very very fun topic to learn and to understand. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि भाई मुहावरे जैसे बोलते हैं, जैसे हिंदी में आप मुहावरे बोलते हो, उसी को हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं. सो प्रोवर्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश व्हेन यू आर बिल्डिंग योर वोकैबुलरी एंड बिल्डिंग योर सेंटेंसेज. योर प्रोवर्ब्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे, विल स्टडी मोर ऑफ अ प्रोवर्ब्स राइट नाउ. हम लोग 10 से 15 प्रोवर्ब्स आज सीखेंगे और उनको नोट डाउन करेंगे. इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द लर्नर्स हु आर
seeing me right now. Just concentrate on the proverbs and keep on writing. My request will be, just keep in mind when you are studying that, when you are studying, don't think English ko Hindi mein mat convert karna. English ko easy English mein hi convert karke dimag mein chalna. Dheere dheere karoge, but hoga. Theek? But if you are converting the sentences which are given in English into Hindi, you are making that worse. ठीक है, आगे जाने वाले टाइम में, आगे आप जब पढ़ोगे कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस या कुछ भी आप फॉर्म करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके दिमाग में इंग्लिश की हिंदी चल रही होगी. एंड व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लर्नर टू नो दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश टू इंग्लिश, नॉट हिंदी टू इंग्लिश, राइट? बिकॉज हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश में मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है. यू कैन नॉट पुट द सेंटेंसेस एग्जैक्टली एज गिवन इन हिंदी. इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप सेम नहीं रख सकते हो, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं. आज का पहला प्रोवर्ब है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स. नाउ इट्स वेरी क्लियर इफ यू हैव अंडरस्टूड द सेंटेंस और दिस प्रोवर्ब, दैट दिस प्रोवर्ब इज यूज व्हेन समवन ब्लेम्स द क्वालिटी ऑफ देयर इक्विपमेंट और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हेन दे परफॉर्म अ टास्क पुअरली. मतलब अपना दोष किसी और किसी चीज पे मढ़ देना, जिसे हिंदी में बोलते हैं, जिसको कि आपको कोई चीज नहीं आती है एंड आप ब्लेम किस पे डाल रहे हो, ऑन योर इक्विपमेंट्स, ऑन द फैक्टर्स विच आर वर्किंग बिहाइंड. आप अपनी कमी ना मान के यू आर नॉट ब्लेमिंग योर ओन एफर्ट्स, यू आर ब्लेमिंग द पुअर इक्विपमेंट्स. ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं. द टर्की इज इन कुक्ड वेल बिकॉज द ओवन इज नॉट फंक्शनिंग वेल. Y, X हो गया ये Y, इसका पोर्शन. दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन टू टू पोर्शन. वेल इट इन वेल इट्स द केस ऑफ बैड मेन्स ब्लेमिंग हिज टूल्स. दैट मीन्स यहाँ पे जो टूल है, अवन है, वो खराब है, इसलिए जो आपकी टर्की है वो अच्छी नहीं बनी है. सो मैन, द पर्सन हु इज कुकिंग टर्की इज ब्लेमिंग द अवन, नॉट हिज स्किल्स, बिकॉज उसने अपनी टूल्स को ब्लेम किया रादर देन ब्लेमिंग हिज ओन सेल्फ, राइट? अवन अगर खराब था तो वो सही कर सकते थे या सही करवा सकते थे, बट ही ट्राई टू ब्लेम द इक्विपमेंट्स रादर देन ब्लेमिंग हिज पुअरली टास्क डन. ठीक, उसका टास्क क्या था कि पहले अवन को चेक करता देन टर्की बनाता, बट ही इज ब्लेमिंग द अवन दैट इट इज नॉट वर्किंग वेल, दैट्स वाई टर्की इज नॉट कुक्ड वेल. ठीक, चलो भाई, अब ये है मेरा जो है, सिर्फ इतनी सी मेरी दरख्वास्त थी भाई कि जो है ना, आप ये सेशन शेयर करते रहिए. बहुत बड़ा सपोर्ट होता है एक एजुकेटर के लिए कि उनके लर्नर्स उनका जो सेशन है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक, वायरल कर रहे हैं. तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग इट वायरल, बिकॉज एज यू नो दैट when a educator is new to you all, ठीक है, कोई नया educator पढ़ाने आता है तो he needs your support, he needs people around or the learners around who are willing to learn to join. So make it count and keep on sharing, right? A bird in hand is worth two in the bush. अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं. मतलब है, things we already have are more valuable than what we hope to get. So this is very practical proverb, you can say, which we should apply in our life, that things we already have, जो चीज़ें हमारे पास पहले से हैं उनको value करना चाहिए rather than hoping for the things which we will get in future. ठीक, तो sorry, this proverb simply says that you should cherish the or value the moments which you are living today rather than waiting for the future to occur. ठीक, यहाँ पे सिंपल सा प्रोवर्ब है. इस प्रोवर्ब को अब हम एग्जाम्पल में यूज कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं. Why did you turn down that job offer when you didn't have any concrete in hand at the moment? Why? Well, अभी दो पार्ट में है ये भी सेंटेंस, देख लीजिए. Well, I am confident I'll land one of the two jobs I interviewed for the last week and they are better than this one. In my opinion, you should have taken it. The bird in hand is worth two in the bush. Now this sentence is in continuation. You should understand when you are framing the sentence, you have to have that flow in the sentence. मैंने यहाँ पे अब देखो
डिस्कशन एक डिस्कशन का तरीका होता है. व्हेन यू आर डिस्कसिंग समथिंग यू मस्ट बी हैविंग अ कंटिन्यूएशन एक होना चाहिए. आप किसी प्रोवर्ब को डाल रहे हो तो ऐसे ही नहीं आप स्टार्ट कर दोगे. यू विल बी हैविंग अ कंटिन्यूएशन इन कन्वर्सेशन. जैसे इसमें है कि पर्सन इज टॉकिंग अबाउट अ जॉब विच इज बीन टर्न्ड बाय द अदर पर्सन एंड द अदर पर्सन वाई इज एक्सप्लेनिंग कि मैंने भाई टर्न क्यों किया उस जॉब को और मैं आगे आने वाले टाइम में दूसरी जॉब ज्वाइन कर लूंगा. देन वाई अगेन इज सेइंग दैट इन माय ओपिनियन यू शुड हैव टेकन द जॉब बिकॉज द अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. मतलब अगर कोई बर्ड हाथ में है आप उसको छोड़कर झाड़ियों में से दूसरी ढूंढने जा रहे हो, दैट इज यूजलेस, दैट इज वर्थलेस. ठीक, अब बात करते हैं थर्ड हमारा क्या है. एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर. ठीक, अब फाउंडर का मतलब क्या होता है, फाउंडर का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फाउंडर. एनी वन ऑफ यू हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाउंडर. किसी के लिए लाइकनेस और लगाव शो करने को आप फॉन्डनेस बोलते हो. ठीक है, तो व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग तो नोइंग ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और एक सेंटेंस में एक एक वर्ड जब तक नहीं पता होगा आप उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते हो. सो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. मतलब किसी के कमी होने पे उससे ज्यादा लगाव होता है, किसी के ना होने से उससे ज्यादा प्यार आता है. हिंदी में इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसकी इंग्लिश देख लेते हैं. इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, When people we love are not with us, we love them even more. As I told in Hindi, that जो लोग पास नहीं होते हैं या जो लोग दूर रहते हैं उनसे हमको ज्यादा लगाव आता है, ज्यादा प्यार आता है. ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. When I was with her, she always fought with me, but now she cries for me on phone. I think distance made her heart grow fonder. Simple as that, सेंटेंस में कुछ नहीं लिखा है, उसमें लिखा है दैट शी वॉज used to fight with me when I was with him, with her, sorry, and now on phone she cries for me. I think the distance among us, the distance apart which is growing us, between us, is making her heart grow fonder. Fonder of me, fonder of the feelings, and fonder of the feelings which we had. ठीक, अब फोर्थ वाला देख लेते हैं. A cat has night lives. Cat can survive seemingly fatal events. राइट, बिल्ली के लिए कहावत की कही गई है, ये कैट के लिए कहावत कही गई है कि कैट कैन सर्वाइव सीमिंगली फेटल इवेंट्स. कैट जो होती है वो खतरनाक से खतरनाक चीजों से निकल के वापस आ जाती है. बिल्ली की कहावत को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे इन अ सेंटेंस. हाउ आई हैवंट सीन हिम फॉर सेवरल वीक्स बट आई कुडंट रियली वरी अबाउट हिम. इवन एवरी वन नोज अ कैट हैज नाइन लाइफ. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन, सम पर्सन हु इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट टू हैव केम इन टू इवेंट्स वेर ही और शी इज वेरी प्रोमिनेंट टू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और समथिंग, बट यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट पर्सन बिकॉज यू कंसिडर हिम एज अ कैट हैज अ नाइन लाइफ. दैट मीन्स दैट पर्सन हैज अ नाइन हैज अ लाइफ ऑफ अ कैट, विच मीन्स दैट कैट हैज नाइन लाइफ. बिल्ली के लिए कहावत कही जाती है, दैट मीन्स यू आर इंडिकेटिंग पर्सन एज अ कैट, विच means that you're indicating that he has nine lives. ठीक, long living, you can say long living और खतरों से बच के निकलने वाला आदमी जिसको बोलेंगे, है ना. जो आदमी खतरों से बच के कहीं से भी निकल आता है उसको आप cat has nine lives में डालोगे. Right आशीष, your answer is right. अब बात करते हैं, a chain is only as strong as its weakest link. Now this is very deep proverb. When you are coming to such proverbs, you need to have the knowledge and depth knowledge of the sentences. ठीक है, इसमें थोड़ी सी कला चाहिए होती है proverbs को समझने के लिए, because in your English portion मैं बार बार ये बोलूँगी, don't underestimate that you are studying English in Hindi and
बहुत बार ये होता है, लोग हिंदी को इंग्लिश में मिक्स कर देते हैं, बट वो गलत है, क्योंकि हिंदी इज हिंदी, हिंदी इज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. डोंट इंटरकनेक्ट बोथ द लैंग्वेजेस ऑन योर कंफर्ट जोन. ठीक है, अपने कंफर्टेबिलिटी और सूटेबिलिटी के हिसाब से दोनों को मत जोड़ो. इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में सोचो. बहुत टफ लग रही है, उसको इंग्लिश में ही उसको इजी बनाने की कोशिश करो इन योर माइंड, रादर देन फ्रेमिंग द सेंटेंसेस इन योर माइंड इन हिंदी, मेक द सेंटेंसेस इन इंग्लिश इजी इंग्लिश इन योर माइंड. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़े गलत होंगे, ग्रामर गलत होगी, वोकैबुलरी गलत होगी, बट ग्रेजुअली यू विल हैव दैट कमांड ओवर योर इंग्लिश. ठीक. अ चेन इज ओनली एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. वन वीक पार्ट विल रेंडर द होल वीक. मतलब आपके जैसे बोला जाता है ना कि एक फ्रूट में अगर रख दो, एक सेब अगर खराब रखा है पूरे एम्बिग्यूट. राइट राइट आशीष, योर आंसर इज राइट. आई थिंक यू नो एवरी थिंग एंड आई एम रियली हैप्पी टू फाइनली फाइंड यू. सम ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई फाइंड आर वेरी वेरी नाइस एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को साथ में रख के एंड पढ़ के या सीख के. आपसे भी मुझे सीखने को मिलता है. इट्स नो देर इज नो डाउट दैट आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू पीपल. एंड आगे बात करते हैं. वन वीक पॉइंट मीन्स कोई एक किनारा या एक छोर अगर वीक होता है तो वो पूरी पूरी चेन को वीक कर देता है, पूरे पूरे. अब इसको अगर आप बड़े होल कॉन्टेक्स्ट में लेके चलोगे, दैट वन मेंबर इन द फैमिली इफ इज वीक, ही टेक्स अ होल फैमिली विद इन देम. ठीक, सेंटेंस देख लेते हैं. नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट द टीम इज, इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, इट्स डिफेंस. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम टीम हेयर, और यू कैन से एनी काइंड ऑफ टीम. आई एम यू टॉकिंग अबाउट मी डियर आशीष, आप मेरे में बारे में बात कर रहे हो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी देन आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू फॉर यूजिंग सच नाइस वर्ड्स फॉर मी. इफ यू आर फ्रेमिंग आउट सम सेंटेंस राइट हियर, सो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ. ये क्या आपने, यू आर परफेक्ट पर्सनैलिटी. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. एंड लेट्स मूव ऑन फॉर टू अ फिफ्थ प्रोवर्ब, दैट इज सिक्स प्रोवर्ब, दैट विल बी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. दिस इज द वेरी इजी, आई थिंक इन आर स्कूल लाइफ वी हैव रिटन दिस, यू कैन से प्रोवर्ब और दिस थॉट इन आर नोटबुक्स ऑन द ब्लैक बोर्ड अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एंड एग्जैजरेट दिस प्रोवर्ब. इसका मतलब फिर भी हम जान लेते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को इसका भी मतलब नहीं पता होगा. तो इसका मतलब होता है, एक्शंस आर अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ वंस कैरेक्टर, बिकॉज इट्स इजी टू से थिंग्स बट डिफिकल्ट टू एक्ट ऑन देम एंड फॉलो थ्रू. ठीक है, कहना बहुत आसान होता है, हर चीज को करना उतना ही मुश्किल होता है. एंड व्हेन द पर्सन और वन कैरेक्टर इज डूइंग और रिफ्लेक्टिंग दैट ट्रेट्स इन इन हिज और हर कैरेक्टर, दैट मीन्स उसके एक्शन उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर को बोल रहे हैं. ठीक है, इन हिंदी यू कैन सिंपली यूज दीज वर्ड्स. ठीक, हिंदी में अगर आप समझोगे, किसी के काम करने के तरीके को, किसी के कैरेक्टर को देख के, आप किसी के कैरेक्टर को देख के आप उसके एक्शंस को जज कर सकते हो. राइट, यहाँ पे आप मतलब समझ में आ गया होगा, किसी के काम करने के तरीके को देख के आप उसकी पूरे थॉट प्रोसेस को, उसके थिंकिंग को आसानी से जज कर सकते हो. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. एक्शन जो होते हैं इंसान की करनी, उससे उसके वर्ड्स जो होते हैं उससे ज्यादा उसके कैरेक्टर के बारे में डिफाइन कर देते हैं. जितना वो अपने बारे में बताएगा नहीं, उससे ज्यादा आप उसके तरीकों से आप उसको जज कर लोगे. किसी के उठने के तरीके से, किसी के बॉडी लैंग्वेज से, किसी के बात करने के तरीके से, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर. ठीक, एग्जाम्पल, जूली ऑलवेज सेज शील डोनेट टू द स्कूल एंड नेवर डज, सो आई डाउट शी विल दिस ईयर. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स आफ्टर ऑल. सो यू आर यूजिंग समवन, यूजिंग दिस इन योर सेंटेंस एज अ फ्रेज फॉर समवन, दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट जूली ऑलवेज सेज समथिंग बट नेवर डज दैट. सो दैट मीन्स वो करती कुछ नहीं है, बस बोलती है. दैट मीन्स उसके एक्शंस हैं ही नहीं, विच आर इंडिकेटिंग दैट शी इज अ वेरी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आफ्टर ऑल.
ठीक, सेवेंथ सेंटेंस देख लेते हैं. एंड नाउ व्हाट दो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना अभी, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज. या श्योर आशीष, यू कैन से, प्लीज से. एक्चुअली दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर शेयरिंग ओनली एंड फॉर ग्रास्पिंग ऑल द नॉलेज विच आई कैन रेंडर. प्लीज से. तब तक हम सेवेंथ वाला प्रोवर्ब देख लेते हैं. When a drowning man will clutch at a straw, that means someone is in a difficult situation, he or she will take any available options to improve. That means जो आपकी life है आज की date में, the way you are surviving, and I can exactly quote these 7 or 8 months. Okay, I'll do that in my next session. Surely I'll try to implement that. Thank you for the suggestion. Ashish, it is really very helpful to know. You must choose PPT words in question air format for better understanding and teaching. Okay, I'll try to do my best and implement that part which you told me right now. And अभी फिलहाल तो ऐसे ही पढ़ा पाऊंगी. तो ये सेशन जो मैंने कर लिया है, आज का प्रिपेयर कर लिया है, ऐसे ही इसको रखते हैं. एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन आई जस्ट, कैन यू जस्ट डू मी अ फेवर आशीष, कैन यू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. आप मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में, यू कैन गाइड मी, बिकॉज व्हेन आई एम लर्निंग फ्रॉम समवन आई रियली वॉन्ट टू लर्न मोर. ऐसा नहीं है कि एक बार, एंड आई रियली नीड टू नो, बिकॉज मैं अन अकेडमी पर मैंने बहुत टाइम हुआ नहीं है ज्वाइन किए. एंड वेन आई एम टीचिंग ऑन अन अकेडमी, स्पेसिफिकली अन अकेडमी, आई नो हाउ टू टीच बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट इक्विपमेंट फॉर दैट. बट अन अकेडमी के अलावा जब यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ तो आई डोंट हैव वेरी मच एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ पेंटैब और एनी थिंग. ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है. आई थिंक वही आप आशीष कहना चाह रहे हो. मैं बस एक मिनट आपको शेयर कर रही हूँ अपनी यूज़र आई डी. अन अकेडमी केश की तिवारी 27. दिस इज माई यूजर आई डी. दिस इज माई यूजर आई डी. आशीष, यू कैन जस्ट जस्ट टाइप दिस इन द इन योर टेलीग्राम ऑप्शन, जहाँ पे भी सर्च का ऑप्शन आता है, एंड यू विल जस्ट कम टू नो ऑन टेलीग्राम. यू कैन फॉलो मी ईजिली. एंड वहाँ पे आप मेरे को बता भी सकते हो वॉट ऑल मेजर्स आई कैन टेक टू इम्प्रूव एंड इम्प्लीमेंट इन माई सेशंस. राइट, यू कैन जस्ट यूज दिस, बट यूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ माई नेम, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग रॉन्ग TETI लिख रहे हो तो मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, इसीलिए मैंने मैंशन कर दिया है आपको. ठीक है. When someone is in a difficult situation, she or he will take any available option to improve it. मतलब ये बहुत easy saying है कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, जो last option आपको दिखता है, आप उसको लेकर अपने आप अपने life की last opportunity समझ के उसको accept कर लेते हो. Okay, so I'll just tell you my mail ID. It is Keshki तिवारी, विच इज कनेक्टेड टू अन अकेडमी एज वेल. ठीक है, ये आप मेल आई डी यूज मुझे मेल कर सकते हो, विच एवर मेजर यू वॉन्ट टू शेयर विद मी. और आई विल रिकमेंड यू टू गेट फासन ऑन योर टेलीग्राम ऑल्सो, बिकॉज इट इज द बेस्ट वे टू शेयर एनी काइंड ऑफ रेमेडी फॉर एनी थिंग एंड गेट टच इन टच विद योर एजुकेटर. ठीक है, आप अपने एजुकेटर से या फिर अपने टीचर से या फिर किसी से भी, इट इज़ वेरी वेरी गुड वे टू गेट कनेक्टेड, बिकॉज उसमें आप अपने PDFs वगैरह शेयर कर सकते हो, फाइल्स शेयर कर सकते हो. इट्स वेरी कंफर्टेबल जोन टू शेयर एनीथिंग. बाकी आप इन योर मेल एंड एवरीथिंग यू हैव अ वेरी स्पॉन्टेनियस, बहुत ज़्यादा उसमें करना पड़ता है, बट टेलीग्राम इज मोर कन्वीनियंट वे फॉर मी, मुझे ये लगता है. ठीक है,
When someone is in a difficult situation, मैंने बता दिया मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल मीनिंग है. ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, मतलब जो डूबता हुआ आदमी होता है उसको तिनके का सहारा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना तिनके का सहारा, बस वही तिनका है ये क्लच ऑफ स्ट्रॉ. ठीक. After trying all reliable medicines, he is now visiting quacks to give a cure to his bladder baldness. A drowning man will clutch at a straw. That means अभी सारी दवाइयां करके देख चुके तो अब वो किसके पास जा रहा है, वो quacks वो होते हैं जो आपके टोना टोटका करते हैं या उस तरीके से आपको पूरी जो होती ना दवा, वैसी वाली दवा जो आयुर्वेदिक और उस टाइप की दवाएं होती हैं, वो दवा देके आपके बॉल्डनेस मतलब टकलेपन को क्योर कर सकें. ठीक है. तो आफ्टर ट्राइंग ऑल द रिलायबल मेडिसिन ही इज नाउ विजिटिंग क्वैक्स टू गेट अ क्योर फॉर हिज बॉल्डनेस. अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, मतलब अब कोई रास्ता नहीं रह गया तो उसने क्या रास्ता अपनाया, टू गो विद सच काइंड ऑफ रेमेडीज. ठीक. एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज. Now this is very very strong saying. अगर आप मान के चलो तो ये बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब साबित हो सकता है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो इन योर राइटिंग एंड इन योर वोकैबुलरी सेक्शन, क्योंकि आप किसी से अगर बात कर रहे होगे तब भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. वी गेन विजडम फास्टर इन डिफिकल्ट टाइम्स देन इन अ प्रॉस्परस टाइम्स. दिस इज वेरी ट्रू एंड दिस प्रोवर्ब्स फिट इन एवरीबडीज लाइफ हु हैज बीन इन टू सच काइंड ऑफ स्ट्रगल्स. उनको बहुत अच्छे से पता है दैट गेनिंग विजडम, गेनिंग दैट फ्रीडम इन योर थॉट्स, विजडम मीन्स फ्रीडम इन योर थॉट्स, फ्रीडम इन योर माइंड. जब वो एक फ्रीडम मिलता है दैट इज गेन्ड वाइल यू आर हैविंग डिफिकल्ट सिचुएशन रादर देन इन योर हैप्पीनेस टाइम्स. जब खुशी के टाइम होता है या खुशी के मोमेंट्स होते हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व होते हो अपनी खुशी में रादर देन इम्प्लीमेंटिंग और डेवलपिंग योर ओन कैरेक्टर. ठीक है. तो वो कैरेक्टर और अपने आप को मजबूत आदमी कब करता है, जब वो खुद के बारे में सोच रहा होता है इन देयर डिफिकल्ट टाइम्स. ठीक है. अपनी मुश्किल की घड़ी में वो अपने आप को ज्यादा एनालाइज कर पाता है अच्छे से रादर देन एनालाइजिंग इन द प्रॉस्परस मीन्स हैप्पी डेज और हैप्पी टाइम्स. ठीक. I think you all must be getting what I am saying. और जो भी समझ में नहीं आ रहा है you can just raise a question in the comment section and I'll answer it. As simple as that. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे comment section में बोल सकते हैं, ma'am मुझे ये समझ नहीं आ रहा है and I'll explain it again. और any doubt you have regarding anything related to Unacademy or subscription or anything, you can just come in your comment section and ask. ठीक. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आफ्टर लूजिंग मनी इन माई इन्वेस्टमेंट्स आई नो विच इन्वेस्टमेंट्स टू अवॉइड. इट इज राइटली सेड एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज. नाउ व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग, इसकी आप प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो. व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग, आपका लॉस होता है, आपका नुकसान होता है, तो आप उस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं बिकॉज यू हैव लर्नड योर लेसन फ्रॉम दैट एडवर्सिटी, फ्रॉम दैट लॉस, दैट यू आर बीन एबल टू बिकम अ वाइजर मैन. ठीक. आप वाइज मैन की तरह अपने आप को देखने लग गए हो बिकॉज आप उन फ्रॉड इन्वेस्टमेंट्स में नहीं फंस रहे हो. राइट. चलो आठवां हो गया. अब बात करते हैं नाइन्थ. अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड सेइंग जो आप पर्सनल लाइफ्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो बिकॉज यू मस्ट हैव सीन पीपल हु आर लाइक having money but from their mind and from their practical maturity they are fools. traditional medicines yeah right that is what I'm saying. वो पुड़िया मिलती है मार्केट में भी, आप देखोगे जैसे रोड पे चलते हैं ना तो they have that आयुर्वेदिक दवा which they give on, वो चिल्लाते माइक पे चिल्ला चिल्ला के वो देते हैं कि भाई इससे टकलापन दूर होता है ना एवरीथिंग. दैट इज वॉट आई एम टेलिंग. उसमें मैं वही बता रही थी ट्रेडिशनल मेडिसिन तेल और दवा उनको बोलते हैं. ठीक. तो नाइन्थ वाला देख लेते हैं. फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, मतलब एक बेकूफ और उसके बेकूफी से उसका पैसा जो उसने कमाया है या तरीका जो एक फुलिश आदमी इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में या अप्लाई करता है विदाउट यूजिंग अ मैच्योर डिसीजन और मैच्योर थॉट, उससे क्या होता है दैट फुलिश पर्सन लूजेज हिज मनी वेरी सून.
Foolish people do not know how to hold on their money. That is very true because they don't have any practice or they don't have any knowledge of the worldly things. That's why they are said to be fools. Tabhi unko aap fools bolte ho, bevkoof bolte ho, kyunki unko nahi pata hai ki how they have to handle their own money. That is the reason they lose their money very soon. Thik? Now we'll implement this saying in the example. She gave up her entire estate. State is not that wala state. S-T-A wala, S-T-A-T-E wala nahi hai. Is state ka matlab mujhe koi bata paayega? What do you mean by this word? Estate. It's estate, not state. So, can any one of you tell me what do you mean by this word estate? इंग्लिश में बताना है, डोंट टेल मी एनीथिंग इन हिंदी. इस स्टेट का मतलब मुझे बताओ, बिकॉज आई नीड टू नो व्हाट डू यू मीन एंड आई नीड टू नो कि आप लोगों को पता भी है या नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड स्टेट? स्टेट मीन्स एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, ग्राउंड और एनीथिंग विच यू ओन. ठीक है, राइट. स्टेट इज रिलेटेड टू, बेसिकली ये वाला स्टेट जो है दैट इज रिलेटेड. आप देखते भी होंगे जब किसी टाउनशिप में जाते हो तो वहाँ ये वर्ड बहुत यूज होता है, दैट दिस वर्ड स्टेट. और बहुत ज़्यादा यूज होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं दे यूज दिस वर्ड अ लॉट. तो दिस इज रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, नॉट स्टेट. स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट इज समथिंग एल्स, एंड दिस स्टेट स्टेट इज एल्स डिफाइन समथिंग एल्स. ओके, she gave up her entire estate on the basis of a verbal promise. A fool and his money are indeed easily parted. Now yahan soon ki jagah easily use kar diya hai. So in your English many things are there which are to be said in a different way. Soon or easily ka matlab ek hi hota hai, so you can use both the words. Theek, to yahan pe ye confuse mat hona ki yahan easily likha hai, yahan soon likha hai, to कंफ्यूज हुए जा रहे हैं. ठीक है, मतलब दोनों फ्रेजेस, दोनों प्रोवर्ब्स का सेम ही है. चलो अब ये एग्जांपल एक बार हिंदी में भी समझा देती हूँ मैं. शी गेव अप हर एंटायर इस्टेट, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को सिर्फ एक वर्बल कमिटमेंट और यू कैन से मुंह जुबानी चीज पे दे दिया किसी और को, बिकॉज शी इज अ फूल हु डजंट नो हाउ टू हैंडल हर मनी. And she has parted or indeed have parted from the money which she had. Tick. Okay, I think everyone has understood till now. Whatever proverbs we are studying today is for your benefit. And let me tell you one thing, that when you are studying proverbs, it makes you very, you can say, boring when you don't understand these proverbs by yourself. इन प्रोवर्ब्स को आपको खुद से तैयार करना है. सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम करो, मेरे सेंटेंसेस पे मत जाओ. मैंने सेंटेंसेस इसलिए रखे हुए हैं कि आपको मीनिंग और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ. ठीक, इफ यू आर स्टडिंग दीज प्रोवर्ब्स एंड पुटिंग दीज प्रोवर्ब्स इन टू योर ओन सेंटेंसेस, देन यू आर एक्चुअली डूइंग योर पार्ट. So I'll request you people, keep practicing these proverbs, writing these proverbs in some notebook or something, and practice these these proverbs into the sentences. ठीक है. Tenth is, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Now this is also very common saying, very very easy saying, which is put on in your thought. आप इसको अगर स्कूल में पढ़ा है, आपने पढ़ाई की है उस तरह से, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा दैट दीज थॉट्स वर ऑलवेज यू कैन से रिसाइटेड इन द असेंबली पार्ट और इन योर क्लास रूम व्हेन द टीचर्स यूज्ड टू आस्क. होल वेल्थ, राइट, होल वेल्थ भी बोल सकते हैं. और आप प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिलेट कर सकते हो आशीष इस वर्ड को. दिस वर्ड इज मोर ऑफन रिलेटेड टू योर मनी. येस, मनी एंड प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिलेट किया जाता है, वेल्थ से कम होता है, बिकॉज वेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. इस्टेट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर मनी, यू कैन से, एंड योर प्रॉपर्टी, राइट. चलो अब टेंथ वाला देख लेते हैं. हमने मीनिंग समझा दिया. मीनिंग इसका क्या, जर्नी ऑफ 1,000 miles बी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. 1,000 मील की दूरी आप तभी तय कर पाओगे जब आप एक कदम उठाओगे. ठीक, हिंदी में समझा दिया दैट एक कदम उठाने के बाद ही आप
हजार मील की दूरी तय कर सकते हो, बिना कदम उठाए आप नहीं कर सकते हो। हाउ सो एवर बिग अ टास्क इज, इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप। लाइक वी व्हेन यू आर स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ, एज यू आर स्टडिंग विद मी, यू आर पुटिंग और यू आर टेकिंग वन स्टेप, वन बेबी स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग सम प्रोवर्ब्स। एंड दिस जर्नी कैन बी अ स्मॉल स्टेप, यहाँ आप छोटा कदम ले रहे हैं और बढ़ किसकी तरफ रहे हैं, बड़े कदम, बड़े चीज को अचीव करने के लिए। यू आर गोइंग टू अचीव 1000 miles इन योर लाइफ आफ्टर दिस। एग्जाम्पल क्या है, आई एम फीलिंग ओवरवेल्ड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंप्लीटिंग 4000 word पेपर बाय नेक्स्ट वीक, बट आई गेस आई स्टार्ट बाय राइटिंग 500 words ईच every day. After all, a journey of 1000 miles begins with a single step. Now here it's very common saying, अगर आप इसको अपने साथ implement करोगे कि भाई आज हमने 10 proverb सीखे, it is just a you can say beginning, and I am going to learn 10 more tomorrow. That means you are putting a journey of 1000 miles which will be having a फर्स्ट स्टेप विच इज यू पुटिंग टूडे बाय टेकिंग अ सिंगल स्टेप। ठीक, आज आपने एक कदम उठाया है प्रोवर्ब को याद करने के लिए, 10 proverbs या 12 proverbs आप अगर आज याद कर लेते हो, यू आर पुटिंग योर सिंगल स्टेप टूवर्ड्स अ जर्नी ऑफ 1000 miles। ठीक, अब बात करते हैं 11th proverb, दैट इज अ लेपर्ड कांट और डजंट चेंज इट्स स्पॉट। इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग इसको पढ़ के कंफ्यूज मत होना। Just first of all, I want those who are joining little late, I just want you people to keep sharing the session and do like and subscribe the channel, because it's really very important for you and for the educator to be in touch with the learners on the daily basis. Ek din chhod ke ek din aoge, fir ek din chhod ke fir ek din aoge, to ye mat karna, because it leaves a wrong impact on the educator and on the learners. Thik? A person can't change its impact, intact character, especially bad. Yes, Ashish, आपने पिछला वाला जो प्रोवर्ब था उसका आपने दूसरा फॉर्म लिख दिया है, राइट, करेक्ट। अ सिंगल ड्रॉप मेक्स सी, राइट। अ लेपर्ड कांट और डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स मीन्स, लेपर्ड के शरीर पे स्पॉट्स होते हैं ना, तो वो अपने स्पॉट्स को तो बदल नहीं सकता। वो यहां लिखा है, पर्सन कांट चेंज इट्स इंटैक्ट, आई एम रियली सॉरी, स्लाइड चेंज हो गया, डोंट वरी, आई विल जस्ट गेट बैक टू इट, रियली सॉरी। I'm really sorry, it just got dropped. Don't worry, it will be back soon. Ashish, whichever thing you are telling me, please tell me on this mail ID, because I need to do it. Hana? I'm little not at the edge of using this YouTube for the teaching purpose. That's why I need a little help in that. Okay, a leopard can't change or doesn't change its spot mean a person cannot change its intact character, especially bad. मतलब बोलने से ही क्लियर है कि इंसान अपने अंदर के कैरेक्टर को, विच एवर द कैरेक्टर ही इज कैरिंग इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड जैसा वो है, अंदर से उसकी जैसी फितरत है, उसको वो नहीं बदल सकता, उसको वो उसको वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक, यहाँ दो लोग बात करें, एक्स, डू यू थिंक ही विल स्टॉप कॉपिंग आफ्टर बीइंग कॉट एंड पेनलाइज्ड। वाई इज सेइंग आई डोंट थिंक सो, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, सिंपल एज दैट। वो एक किसी इंसान के बारे में बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन एंड सेइंग दैट ही इज बीइंग कॉट ऑफ चीटिंग, सो ही विल बी पेनलाइज्ड, एंड व्हेन यू आर बीइंग कॉट एंड पेनलाइज्ड, then he is asking why that if he is being caught then he might leave doing such things. So why is saying that I don't think so, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो इंसान जो है, that person is like a leopard that cannot change its spots. ठीक,
अब बात करते हैं बारवा हमारा जो आपका प्रोवर्ब है एंड इट्स आल्सो वेरी गुड. आई वांट यू पीपल टू भाई कीप शेयरिंग. दिस इज़ वेरी वेरी लथार्जिक एंड वेरी डल साउंडिंग सेशन व्हेन पीपल आर नॉट आंसरिंग. ओनली वन और टू पीपल आर अटेंडिंग द सेशन एंड आंसरिंग द सेशन. आई वांट यू पीपल टू जस्ट हैव अ रियली इंटरैक्टिव सेशन. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एट नाइट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू मोस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग मी मैम रात में लीजिए मैम रात में लीजिए बिकॉज मॉर्निंग में टाइम नहीं है. ठीक है. व्हेन आई एम टेकिंग इन द इवनिंग नो बडी इज ज्वाइनिंग एंड इट इज रियली फीलिंग सो डल एंड नेगेटिव. ओके. सो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द सेशन. इट विल रियली हेल्प. इतना तो कर सकते हैं भाई एजुकेटर के लिए. ठीक. ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. मतलब दिस इज वेरी ईजी एंड वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट गुड एक्सपीरियंसेस इवेंचुअली कम टू एन एंड. अच्छे एक्सपीरियंसेस और ऑल गुड थिंग्स विच यू आर सीइंग टूडे वेदर इट इज एनी थिंग इट हैज टू कम टू एंड. वो खत्म होगी ही होगी चाहे आज चाहे कल चाहे आपके. यस यस राइट आशीष आपने जो आंसर दिया है ये पिछले प्रोवर्ब का है एंड इज राइट. इट इज राइट. गुड एक्सपीरियंसेस इवेंचुअली कम टू एन एंड. दैट मीन्स बुरे या अच्छे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अपने अपने आप और बहुत जल्दी ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं. वहीं अगर आप एक्सपीरियंस करोगे दैट बैड एक्सपीरियंसेस कंटिन्यू इन योर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. या तो आपको वो लगता है कि वो टाइम लंबा है या तो वो सच में लंबे होते हैं. ठीक. एग्जाम्पल आई वॉज सो बैड टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज एंड सेपरेट फ्रॉम माई फ्रेंड्स बट आई हैव टू रियलाइज दैट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. I was so sad to graduate. मतलब I was so sad when I graduated that I was separated by my friends. But then I realized that हर अच्छी चीज़ को एक ना एक दिन ख़त्म होना होता है. ठीक. मतलब it is really very clear from the proverb and it's very easy proverb. One of the very easy proverb which I have taken today. All wells that ends well. Now this is again very easy proverb which I have taken today. I don't know why all the easy proverbs are coming in my list. So I think probably because I want all the students or all the learners to react and have a proper conversation while the class is going. That is why I have taken such a simple session today. So as long as the outcome is good, problems on the way doesn't matter. जब तक आपका result life में आपको अच्छा मिल रहा है कितनी भी परेशानियाँ आ रही हूँ that doesn't matter. ठीक. Simple as that. आपकी life में अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं उन चीज़ों से कुछ अच्छा निकल के आ रहा है उसके लिए भी कितने तकलीफ़ें हमको फेस करनी पड़े that are worthwhile and worth experiencing. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. इसका एग्जाम्पल है आई एम ग्लैड यू फाइनली गॉट हेयर इवन दो योर कार हैड फ्लैट टायर ऑन द वे. ओ वेल ऑल वेल दैट एंड्स वेल. जैसे अब ही हैज रीच दैट मीन्स उसको अपनी मंजिल मिल गई. ही हैज रीच ऑलरेडी टू द डेस्टिनेशन. सो ऑल वेल दैट एंड्स वेल. ठीक. 14th है ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सारा चमकता हुआ सोना नहीं होता. सब चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है. ठीक है. हिंदी में ये प्रोवर्ब है. हिंदी में भी ये कहावत है. थिंग्स दैट लुक्स लाइक आउटवर्डली मे नॉट बी वैल्यूएबल और गुड. जो सारी चीजें चमकती हुई दिखती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सोना हो. ठीक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो लोग अगेन टू पीपल आर टॉकिंग एक्स एंड वाई. आई वॉन्ट टू बी अ मूवी स्टार वेन आई ग्रो अप. वाई बोलता है फिल्म इंडस्ट्री लुक्स गुड फ्रॉम द डिस्टेंस बट इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स. रिमेंबर ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. सिंपल एज दैट. इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता. Hard work results always come to an end. आशीष हार्ड वर्क रिजल्ट्स ऑलवेज कम टू एन एंड. आई डिडंट गेट इट. ये लास्ट टू लास्ट वाले का आप बोल रहे हो बट
ऑल वेल एज एंड वेल की बात हो रही है यहाँ। यहाँ पे अच्छी चीजें खत्म होती हैं, अच्छी चीजें आती हैं अगर लाइफ में, तो परेशानियां मैटर नहीं करती हैं। यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि परेशानियां चाहे जितनी आए लेकिन अगर रिजल्ट आपको अच्छे से अच्छा मिल रहा है तो उन परेशानियों को आप ओवरकम कर जाते हो। ठीक, यू ओवरकम दोज ट्रबल्स, दोज प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर लिविंग ऑल द मोमेंट्स विच अ गुड मेमोरी इज गिविंग यू। Things that look good outwardly may not be as valuable or as good. यहाँ पे X और Y क्या बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है, Y is saying that I wanted to be a movie star when I grow up. Then Y is saying film industry looks very good from outside. दूर से बहुत अच्छी लगती है, दूर से बहुत सुंदर लगती है, but when you are inside it, then you will realize that all the glitter is not gold. That means इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। ठीक, अब 15 देख लेते हैं। 15वां हमारा जो है, that is all fair in love and war. This is most common and more experienced proverb I have heard ever. प्यार और जंग में सब जायज़ है, एंड दिस प्रोवर्ब इज द लास्ट प्रोवर्ब फॉर टुडे बिकॉज आई टुक अराउंड 15 प्रोवर्ब्स टुडे। यस, आई हैव मेंशन दैट आई हैव टेकन 15 प्रोनाउंस टुडे एंड आई वांटेड यू ऑल टू हैव दैट कॉमन डिस्कशन, बट नोबडी अपार्ट फ्रॉम वन और टू केम टुडे टू एटलीस्ट से हाई और अटेंड द क्लास। सो इट इज़ रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एजुकेटर दैट ही और शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड having the proper conversational session with you people and you people are not attending the session. So I feel really little disappointed. यहाँ पे थोड़ा सा लगता है because अगर आप कोई session अपने बच्चों के लिए या अपने students के लिए लेके आते हो, you expect more from them. ठीक, all's fair in love and war. One can break the rules of fair play under extenuation circumstances. Now, what do you mean by this word extenuation? Extenuating or extenuation? इस वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, कोई बताएगा जल्दी से? आशीष, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ extenuating? एक्सटेंटुएटिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग यू आर गिविंग एक्सक्यूज रिलेटेड टू समथिंग विच इज यू कैन से किसी एक्सक्यूज से रिलेटेड, आप कुछ एक्सक्यूज दे रहे हो उससे रिलेटेड कोई चीज़ है। यू आर गिविंग सम, यू हैव डन सम सीरियस ऑफेंसिंग, यू आर गिविंग एक्सक्यूज ऑन दैट। ठीक है, वन कैन ब्रेक रूल्स ऑफ फेयर प्ले अंडर एक्सटेंटुएटिंग सर्कमस्टांसिस, दैट मीन्स यू कैन से ऑफेंसिव सर्कमस्टांसिस और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस। यहाँ पे आप एक्सेप्शनल लिख सकते हो, इसको आप एक्सेप्शनल बोल सकते हो, और यू कैन ऑल्सो यूज एक्सक्यूज टू यू कैन से डिफेंड समथिंग, किसी को डिफेंड करने के लिए, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को अगर आप लगाव है किसी से, एज इट इज़ वेरी क्लियर दैट वेन यू आर इन अ एक्सटेंटुएटिंग सिचुएशन, दैट मीन्स एक्सटेंटुएटिंग सिचुएशन विल बी रिलेटेड टू योर लव और वॉर। ठीक है, या तो किसी से लगाव के लिए रिलेटेड होगा। Yes, Ashish, I am seeing your comments little late. That is why I am replying little late. Because अब मैं दो एक प्रोवर्ब आगे चली जाती हूँ तब आपका मैसेज मुझे मिल रहा है, राइट? इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड इंटरनेट, बिकॉज माई इंटरनेट इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली, अदरवाइज इट वुड हैव बीन बफरिंग। ठीक है, आपके इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या वो लेट चल रहा है। ठीक, नो इश्यूज, आई एम गेटिंग योर कमेंट्स आफ्टर वन कंप्लीटिंग अदर प्रोवर्ब, दैट इज नॉट एन इशू बिकॉज आई कैन रिलेट इट टू द वन विच यू आर टेलिंग। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया,
प्यार और मोहब्बत, लव और वॉर में सब कुछ जायज़ है. हिंदी में भी ये प्रोवर्ब बहुत सिंपल है. आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड वेरी कॉमन प्रोवर्ब विच वी हैव टेकन टुडे. ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक्स एंड वाई अगेन, एक्स एंड वाई आर हैविंग कन्वर्सेशन. एक्स इज सेइंग, हाउ कैन यू पिच माई आइडिया टू द बॉस टू लुक गुड, दे बोथ आर फाइटिंग, हैविंग अ आर्ग्यूमेंट. वाई इज सेइंग, कम ऑन, इट ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. ठीक, सिंपल एज दैट. यहाँ पे दो लोग, एक्स और वाई कन्वर्जेशन इज गोइंग ऑन, यू कैन से आर्ग्यूमेंट इज गोइंग ऑन. वाई एक्स इज सेइंग, हाउ कैन यू पिच माई आइडिया टू द बॉस टू लुक गुड, देन वाई इज सेइंग, कम ऑन, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. राइट, सिंपल. ठीक, अब बात करते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो दैट इज ऑल ऑन योर अनअकैडमी. यू आर सब्सक्राइब, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू पीपल, दोज हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, जस्ट गो एंड पुश दैट सब्सक्रिप्शन बटन एंड द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट, बिकॉज वेन यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट गेटिंग द नोटिफिकेशन दैट आई एम गोइंग टू कम एंड टेक द क्लास. येस राइट आशीष, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सट्रीम. चलो अब यहाँ बात करते हैं, व्हाट ऑल यू गेट ऑन अन अकेडमी, लाइक दिस वन वन क्लास यू आर गेटिंग राइट हेयर, दैट इज अ लाइव क्लास विच इज गोइंग ऑन. बट यहाँ थोड़ा सा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को है कि यहाँ पे वेरी इंटरैक्टिव नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद यू पीपल बाय राइटिंग और समथिंग. बहुत इंटरैक्टिव पीपीटी तब होती है जब आप उस पर लिख पाते हो और स्टूडेंट्स को और क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हो. बट वेन यू आर अटेंडिंग माई सेशंस ऑन यूट्यूब, लाइक आई हैड इन द मॉर्निंग, यू कैन से इन द आफ्टरनून आई हैड अ सेशन ऑन एन अकेडमी एंड इट वॉज वेरी इंटरैक्टिव सेशन. यू वुड हैव बीन देयर इफ यू पीपल विल वॉन्ट टू, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी देयर, यू कैन जस्ट एड मी फर्स्ट ऑन टेलीग्राम एंड आई विल बी कीप शेयरिंग द लिंक्स देयर विद ऑल ऑफ यू related to all the sessions, be it your YouTube or on the Unacademy, on Unacademy. ठीक, daily live classes मिलती हैं when you are having the sessions right on right here or you can have the sessions on YouTube. आपको free live classes मिल रही है, you don't have to pay anything. First of all, clear in your mind that ज़रूरी नहीं है आप subscription लें. Without subscription भी आप Unacademy को install करके handy अपने फोन में रख सकते हो, टू हैव दैट टाइम, टू यूटिलाइज दैट टाइम ऑफ लर्निंग. ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स, दैट मीन्स ऑल द कोर्सेज विच आर प्लान फॉर यू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, आर यू आर गेटिंग अ प्लान्ड स्ट्रक्चर विच इज डन बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी एंड दे दिस हेल्प यू टू प्लान और प्रिपेयर वेल इन योर एग्जामिनेशन. ठीक, अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज यू एज अ लर्नर, एज अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, बिकॉज यू आर हेयर गेटिंग अ फुल फ्लेश्ड इवेल्युएशन ऑफ योर एग्जामिनेशन. आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं अपनी नजरों से कि भाई मेरी परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुंची है, वाया मॉक टेस्ट एंड क्विजेज. इसके जरिए आप अपने आप को डेली बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं, माइंड इट, ऑन डेली बेसिस. आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, इन द डिटेल वर्जन आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई मुझे कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है. ठीक, ये तब मिलेगा भाई जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे. सो डोंट क्रॉस कनेक्ट बोथ द थिंग्स. इफ यू आर स्टडिंग ऑन यूट्यूब, यू आर नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज, बिकॉज this is totally a version or full packed version of an academy. ठीक, तो कुछ करना नहीं है. जैसे आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं वैसे ही आप मुझे अन अकेडमी पे देखोगे इन मोर रिफाइंड वे, बिकॉज वहां पे आपको सिर्फ अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज योर अन अकेडमी लर्निंग ऐप. उसके बाद जैसे आप मोबाइल में गेम्स डाउनलोड करते हैं, अपना नाम डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं एंड यू पुट योर मेल आईडी, इसी तरीके से तीन चीजें डाल के आपको रजिस्टर करना है. यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग. पेमेंट वाला सीन जब आएगा तब जब आप सब्सक्राइब करेंगे एंड सब्सक्रिप्शन टोटली डिपेंड्स ऑन द टीचिंग ऑफ द एजुकेटर. ठीक, अब बात करते हैं अनलिमिटेड एक्सेस की. व्हेन यू आर हैविंग सब्सक्रिप्शन तब ये चीज लागू होती है, जब आपके पास सब्सक्रिप्शन है, पेड सब्सक्रिप्शन है, तब आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो. दैट वन सब्सक्रिप्शन विल गिव यू ऑल द लाइव क्लासेस ड्यूरिंग द डे एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज वर्जन. ठीक है, यू आर गेटिंग ऑल द स्टफ्ड लाइव क्लासेस, बी इट ऑफ एनी कोर्स, सॉरी, बी इट ऑफ एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर कोर्स, दैट इज योर यूपीपीएससी एंड एसएससी एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज.
साइमेंटेनियसली, ठीक है, एक साथ मिल रहा है, ऑन योर कंफर्ट लेवल, ऑन योर कंफर्ट जोन, ऑन एनी डिवाइस विच यू आर यूजिंग राइट नाउ. ठीक है, तो माई सजेशन विल बी जस्ट गो फॉर फ्री क्लासेज. वंस यू आर डन विद योर फ्री क्लासेज, जब आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, अभी मेरे को लेना है, देन यू कैन गो फॉर योर सब्सक्रिप्शन पार्ट. अब बात करते हैं मुझे फॉलो करने की. मुझे फॉलो करने के लिए आपको केश की तिवारी टाइप करना पड़ेगा अन अकेडमी पे, एंड यू विल बी एबल टू फॉलो मी, और यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. देयर आई कैन शेयर यू द लिंक ऑफ ऑल द फॉलोइंग पार्ट्स, जहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो. यहाँ यूट्यूब पे तो आप कर ही रहे हो, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी हेयर यू कैन ईजिली कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो. टेलीग्राम पे मैंने बता दिया, @unacademy केश की तिवारी 27 नाम से हूँ मैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी टॉपिक, इंग्लिश रिलेटेड और अन अकेडमी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन जस्ट पुट इट इन टू कमेंट सेक्शन. और अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये पार्ट मत भूलना, ये पार्ट जो है ना KT10, दिस इज माई रेफरल कोड, एंड इफ यू आर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन एनी प्लान यू आर टेकिंग. ठीक है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 12 महीने का हो, चाहे 24 महीने का हो, तो आपको पूरा डिस्काउंट इस पे नहीं मिल, जो मिल रहा है 58% और 78% का डिस्काउंट जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा 10% का डिस्काउंट एडिशनल मिल रहा है. तो जब अच्छे से मिल रही है चीज़ तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती है. 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 6,300 रुपये में मिल रहा है, बस 12 महीने आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड स्टडी विद अस, नथिंग यू हैव टू डू. ठीक, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना अपने यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट पुशिंग दिस बेल आइकन तो भगवान नहीं आते हैं, हम आते हैं, और अगर हम आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं जब आप ये बेल आइकन दबाते हैं. ठीक, सो आई विल जस्ट से अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर, वील मीट यू टुमारो. इफ यू हैव सब्सक्राइब देन यू विल बी एबल टू सी मी, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आई एम रियली सॉरी दैट यू विल नॉट बी एबल टू सी मी. थैंक यू एंड वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.